व्याकरण के एक पार्ट के बारे में, विशेषण के बारे में बताऊंगी। व्याकरण जैसे हमारी भाषा में चार चांद लगाता है, हमारे मन के भावों को प्रकट करने में उनके वाक्य में शुद्धिकरण लेकर आता है, उसी तरह विशेषण जैसे इसके नाम से हमको मालूम पड़ता है कि कुछ विशेष। तो जब हम अपने वाक्य में विशेषण डाल देते हैं, जैसे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी प्राणी के बारे में, अगर हम उसमें कुछ और विशेषता जोड़कर बात करें तो उसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु की तरफ हमारा आकर्षण जाता है। तो उसी तरह विशेषण जो है हमारे वाक्य में और एक विशेष आकर्षण प्रकट करता है। अब जैसे सिंपल सी ड्रेस है, अगर मैं आपको एक सिंपल सी ड्रेस दूँ तो हमारा आकर्षण उसकी तरफ नहीं जाता है, पर अगर मैं आपको यह कलरफुल, रंग बिरंगी, सुंदर सी ड्रेस दूँ तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उस ड्रेस की तरफ जाता है। इसी तरह जब हम एक साधारण सा वाक्य बोलते हैं तो वह वाक्य हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता, परंतु जब हम उसमें कुछ विशेषता ऐड करके बात करते हैं तो हमें वही वाक्य सुनने में बहुत सुंदर लगता है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, प्राणी, भाव, स्थान, जगह, वस्तु का नाम। सर्वनाम अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं। संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले की प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर राम गोरा है, वह सुंदर है। पहले वाक्य में राम एक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है, उसकी विशेषता बताई गई गोरा है, पर मैंने दोबारा राम को दोहराया नहीं, मैंने राम को वह सर्वनाम में परिवर्तित कर दिया और वह की विशेषता बताई सुंदर। ताजमहल सफेद रंग का है, ताजमहल एक जगह का नाम है, मैंने बाद में उसको बोला ये एक बड़ी इमारत है, तो मैंने ताजमहल संज्ञा को ये में परिवर्तित किया और एक बड़ी मैंने ये की विशेषता बताई। इस तरह विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अभी चित्र है, ये एक ड्रेस है, बच्चे हैं, सेब है, मैदान है, तितली, ये देखने में हमको बहुत साधारण से दिख रहे हैं, पर जब हम इनकी विशेषता बताना शुरू करेंगे, इनके बारे में व्याख्या करेंगे, तब इनकी तरफ हमारा आकर्षण जाएगा। जैसे ड्रेस, यह एक ड्रेस है, छोटी ड्रेस है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं, पीले रंग की ड्रेस है, बहुत सुंदर ड्रेस है। तो मैंने एक ही ड्रेस के बारे में मैंने पांच उसकी विशेषता बताई तो हमारा ध्यान उस ड्रेस की तरफ आकर्षित हुआ। मैदान, अगर मैं बोलूं कि मेरे घर के पास एक मैदान है, किसी का ध्यान नहीं आएगा, पर जब मैं बोलूं यह एक सुंदर मैदान है, रंग बिरंगे फूल है, हरियाली है, मैदान में एक बड़ा पेड़ है, तालाब है, तो जब मैंने मैदान को ऐसे विस्तृत रूप में बताया, उसकी विशेषताओं को जोड़कर, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान मैदान की तरफ आकर्षित होता है। अब तितलियां, अगर मैं सिर्फ तितली बोलूं तो मुझे मजा नहीं आएगा, पर जब मैं यहाँ बोलूं रंग बिरंगी तितलियां, सुंदर तितली, प्यारी तितली, तीन तितली, तो ऑटोमेटिकली मेरे मन में उसकी छवि प्रकट हो जाएगी। अब ये बच्चे, अगर मैं खाली ये बोलूँ कि बच्चे हैं तो किसी को कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा, पर जब मैं बच्चों की विशेषता बताऊँ, कितने बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, खेल रहे हैं, बच्चों ने सुंदर कपड़े पहने हैं, बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से जब मैंने उनकी विशेषता बताई तो हमारा ध्यान बच्चों की तरफ आकर्षित हुआ। सेब, खाली सेब बोले तो हमें लगता है कि ठीक है चलो सिंपल सा फल है, सेब खाते हैं, पर जब मैं यह बोलूँ कि मेरे पास चार सेब है, मैंने एक किलो सेब लाया, मेरे पास लाल रंग की सेब है, मीठी मीठी सेब है, गोल गोल सेब है, सुंदर सेब है, तो दूसरा आदमी जब सुनेगा तो उसका ध्यान भी मेरे सेब की तरफ आकर्षित होगा। इस तरह मैंने आपको बताया कि संज्ञा की विशेषता कैसे बतलाते हैं। सर्वनाम, राम खड़ा है, राम, अब मैं राम को दोबारा नहीं दोहरा के मैं उसके लिए यह सर्वनाम यूज करूंगी, यह एक लड़का है, तो मैंने राम के बदले यह सर्वनाम यूज किया जिसकी विशेषता थी पहले एक, कि उसकी संख्या एक है। यह बहादुर लड़का है, अब यहाँ का मैंने गुण बताया कि वह बहादुर है। यह सुंदर बालक है, अब यहाँ पे मैंने उसके रूप के बारे में बात किया कि यह सुंदर बालक है। तो इस तरह विशेषण हमें सर्वनाम के बारे में भी व्याख्यान करने के लिए बहुत मदद करता है। हमारे डेली की दिनचर्या में जो हम वाक्य बोलते हैं उसमें साधारणतः जो विशेषण शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे रंग रूप, किसी के रूप के बारे में बताना, गोरा, काला, सुंदर, लाल, पीला। आकार यानी कि उसका शेप, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा। मापतौल, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 किलो। संख्या, 1, 2, तीसरा, दूसरा, 100। गुण, अवगुण यानी कि उसकी क्वालिटी, कायर, बहादुर, अच्छा, बुरा। अवस्था यानी कि गरीब, अमीर, जवान, स्वस्थ। तो ये थे मैंने आपको विशेषण के कुछ जानकारी महत्व बताया। अब मैं आपको हमारे जो डेली लाइफ में प्रैक्टिकल उदाहरण करते हैं उसका एग्जाम्पल बताती हूँ। ये एक बीड है, इसमें मैंने सिर्फ सफेद रंग की बीड्स की है, पर अगर मैं इसी बीच में कलरफुल बीच भर दूसरी स्टिक में तो मुझे ये वाली स्टिक ज्यादा सुंदर लगेगी। अब ये एक बॉल है, अगर मैं इसके बारे में बोलना चाहूँ कि यह बॉल पीले रंग की है, गोल बॉल है, तो इसी बॉल की तरफ मैंने कितनी सारी इसकी विशेषता बताई और लोगों का ध्यान खींच लिया। यह एक साधारण सा पेड़ लगता है, पर जब मैं यह बोलूँ कि यह एक पेड़ है, ग्रीन कलर का पेड़ है, हरे रंग का, और यह पेड़ बड़ा है, यह पेड़ हरा दिख रहा है, तो मेरा ध्यान इसकी तरफ आया। तो यह
विशेषण की जानकारी। धन्यवाद। थैंक यू।